अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज़ीनामा। तो आज हम जा रहे हैं जद्दा टू मक्का बाय ट्रेन, और ये है जद्दा सुलेमानिया एयरपोर्ट। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आप एयरपोर्ट वाला स्टेशन भी चूज़ कर सकते हैं। तो लिफ्ट से हम लोग आए हैं थर्ड फ्लोर पर, और सामने ही इंफॉर्मेशन डेस्क है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी रिसेप्शन पर, आप वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन बुकिंग की भी थी, तो हम लोग तकरीबन 20 मिनट पहले पहुंचे थे यहाँ पे। तो अगर आपने ऑनलाइन नहीं ली भी और वहाँ जाके टिकट ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट आधा घंटा पहले वहाँ पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम लग जाता है। और आजकल 50% ऑफ है, तो अच्छा खासा रश भी हो रहा था। अक्टूबर में इन्होंने अपनी टिकट्स पे 50% ऑफ रखा है, तो आपको जद्दा टू मक्का टिकट 32 रियाल पर पर्सन आपको पड़ेगी। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं की भी, तो आप वहां जाके इस तरह से टिकट ख़रीद सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं, तो इनकी ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, यहां से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बुक करें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, वहां जाके आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और ईज़िली आपके सारे चीज़ें हो जाएंगी। आप चाहें तो सिर्फ वन वे टिकट ले लें, और वापसी की टिकट जो है आप बाद में परचेज़ कर लें। हमने राउंड ट्रिप ही लिया था। और अगर आपके पास लगेज है, तो ये ख्याल करें कि बड़े बैग नहीं बनाएं, क्योंकि वो बड़े बड़े बैग्स अलाउ नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे सब लोग अपना बारकोड स्कैन कर रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में है, तो वहाँ से अगर टिकट है आपके पास प्रिंट, तो वो आप स्कैन करके यहाँ से जो है आगे नीचे जाएंगे, जहाँ से ट्रेन आएगी। तकरीबन 10 मिनट पहले आप यहाँ आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पे वेट करते हैं। अभी यहाँ पे क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों के लिए नया है, तो थोड़े बहुत इश्यूज़, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को हो रहे थे, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ का जो पूरा स्टाफ था आपको इतने अच्छे तरीके से गाइड करता है कि अगर आप अकेले भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप ड्राइविंग नहीं करती हैं और आप ट्रेन के ज़रिए अकेले भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ईजीली ये सारा प्रोसेस हो जाता है। 4:20 की हमारी ट्रेन थी, और एग्जैक्ट टाइम पे हमारी ट्रेन आ गई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम लोग ट्रेन में सवार हो चुके हैं, इकोनॉमी क्लास है ये। अभी थोड़ा ये होता है कि लोग इतना इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि अपनी सीट पे बैठे। वैसे अच्छी, काफ़ी खुली जगह है, स्पेशियस सीट हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि अभी तो बस रिलैक्स हुए थे, बैठे थे, और आप पहुंच गए 20 मिनट में। तो बहुत बहुत अच्छा सफ़र रहता है। लेकिन ये कि ज़ाहिर आपको पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, फिर या रेलवे स्टेशन अगर आप सुलेमानिया चूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले से थोड़ा टाइम 15-20 मिनट पहले वहां जाके पहुंचना पड़ता है। उसके बाद सफ़र फिर बहुत ही आसान है, 20 मिनट में आप पहुंच जाते हैं, बहुत रिलैक्सिंग है। जाते हुए भी ये प्रॉब्लम हो रहा था कि लोगों को जो सीट्स अवेलेबल नज़र आ रही थी ना, वो वहाँ बैठे थे, और फिर जो जिनकी वो सीट्स थी वो आते थे, और वो ये थोड़ा सा वहाँ पर हो रहा था। वापसी में हम लोग का जो हमने एस्टिमेट लगाया था कि हम लोग वापस आ जाएंगे 8 बजे, अगर हम 4:30 जा रहे हैं तो 8:30 बजे हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ तवाफ़ करना चाह रहे थे, तो उमरा नहीं कर रहे थे। उमरा का परमिट ले लिया था ताकि वो नीचे सेहन में, हरम में हमें जाने दें, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, उन्होंने हमें जाने दिया था। लेकिन इस दफ़ा वो नहीं जाने दे रहे हैं। अगर आपने अहराम नहीं पहना हुआ, तो आपको वो सेहन में नहीं जाने देंगे, और आपको ऊपर जाके ही तवाफ़ करना होगा। तो अगर आप उनको परमिट दिखाते हैं, तो वो कहते हैं लेडीज़ चले जाएँ, जेंट्स ने अहराम नहीं पहना हुआ, तो वो नहीं जाएंगे। तो इसलिए फिर हम लोगों को ऊपर जाके तवाफ़ करना पड़ा। वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, उसकी वजह से भी बंद है, तो बहुत ही लंबा चक्कर वहाँ पे हम लोगों को पड़ गया था। तो ईशा के बाद जब हम लोग वहाँ से निकले, तो हमें तकरीबन भाग के, हम लोग मक्का एयरपोर्ट पे भाग रहे थे बकायदा अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। तो आप टाइमिंग का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। भाग के हमने ट्रेन पकड़ी है और हम पहुँच गए हैं मक्का। ये हमारा मक्का रेलवे स्टेशन। और अगर आप लंबे सफ़र में हैं, तो हर तरह के कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, मार्केट, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है।
स्टेशन के बाहर इनकी शटल सर्विस होती है जो कि आपको बिल्कुल हरम के सामने उतार देगी, तो उसके लिए भी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। ये हर दो मिनट में ही चल रही होती हैं, बस आप इसमें बैठते हैं और ये आपको बिल्कुल हरम के सामने उतार देती हैं। तो अब हम लोग जो है हरम की तरफ जा रहे हैं। हम लोग 5 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था तवाफ़ करने में और उसके बाद मगरिब और इशा, तो इसलिए वहाँ से निकले हम थोड़ा लेट, तो इसलिए हमें वापसी की ट्रेन जो है ना वो हमें भाग के मिली है। तो आपने टिकट्स बुक करते हुए टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखना है कि अगर आप उमरा कर रहे हैं तो आपको कितना लंबा उसमें जो है रिटर्न टिकट के लिए कितना गैप चाहिए, और अगर आपने सिर्फ तवाफ़ भी करना है तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप हरम के सिहन में नहीं कर सकेंगे, आपको ऊपर करना पड़ेगा, तो उसमें भी अच्छा खासा जो है वो टाइम लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम पहुँच गए हैं, और जिस जिसने भी मुझे दुआ के लिए कहा था मैंने सबके लिए बहुत दुआएँ की हैं, अल्लाह आप सबको ये मुबारक सफ़र नसीब फरमाए। तो अब यहाँ से मक्का से वापसी की बस लेके हम लोग एयरपोर्ट की तरफ, मक्का एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सफ़र के साथ। दुआओं में याद रखिए।